आज की इस वीडियो में आपको तुतलाना और हकलाना किस तरीके से हम घरेलू उपाय से दूर कर सकते हैं और तुतलाने और हकलाने का क्या मुख्य कारण होता है, इस सिलसिले में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं तुतलाना और हकलाना क्या कारण होता है। दोस्तों, मुख्य रूप से तुतलाना और हकलाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है जीभ का जाड़ा होना। अगर जीभ जाड़ी है तो बोलने में समस्या होती है, जिसके कारण तुतलाना और हकलाना मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं, तुतलाना और हकलाने की समस्या हो तो हमें क्या घरेलू उपाय करना चाहिए जिससे हमें जल्द से जल्द राहत मिले। दोस्तों, अगर छोटे बच्चों या फिर बड़ों में तुतलाने या फिर हकलाने की समस्या हो तो उन्हें एक चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके सुबह सुबह आपको चाटना है। ऐसा आप अगर कुछ दिन तक करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपके तुतलाने और हकलाने की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। अब आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इस तरीके की वीडियो देख करके हेल्प मिले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा जो भी आपको रिजल्ट मिले, और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।